अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस पर अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए हैं। काबुल ब्लास्ट में एक दर्जन अमेरिकी सैनिकों समेत अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि हम हमला करने वाले आतंकियों को बख्शेंगे नहीं। काबुल ब्लास्ट की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खोरासान ने ली थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के पास नांगरहार प्रांत में ये बमबारी की है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में काबुल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड मारा जा चुका है। काबुल ब्लास्ट के बाद अमेरिका पर भारी दबाव था। काबुल हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि जो भी इन हमलों में शामिल है हम उनको छोड़ेंगे नहीं। कल जो बाइडेन ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका की तरफ से जितने भी सैनिक मारे जा चुके हैं उसका हम बदला लेंगे और अफगानिस्तान के काबुल पर जो तालिबान ने कब्जा कर रखा है और जितनी तरीके से परेशानियां वहां देखने को मिल रही है, अमेरिका के 100 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। जो बाइडेन ने कहा था कि इस तरीके की हरकतें होती रहीं तो हम तालिबान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।